बोले राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा है, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। काल के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्ण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान जी को सोया हुआ देखा, तो एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ कर दिया। जो इस विश्व के अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा, तुम्ही वशत्कार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम्ही जीवनदायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वे भी तुम्ही हो। देवी तुम्ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो। देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन हो रहा होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मय देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि भी तुम्ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़क धारनी, शूल धारनी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिध, ये भी तुम्हारे शस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान जी को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तो तुम्हारी स्तुति करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम जो अपने इस उदार प्रभावों से भी प्रशंसित हो, ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो, साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। तो ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान जी के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा परक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे,
इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तो श्री भगवान जी बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहां दूसरे किसी वर से क्या लेना है। तो ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। तो ऋषि कहते हैं, तब तथा अस्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार वे देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उसके प्रभाव का वर्णन करता हूं।